हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंडा। तो आज के वीडियो में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से एक और नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया, या जिसे आप कहते हो कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही ज्यादा इजी है, और ये जो है वो चार स्टेप में, ओनली फोर स्टेप में इसका मैकेनिज्म जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ हमें कौन कौन से कंपाउंड जो है वो लेना है कैनिजारो रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है। फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आप लोगों को यहाँ पे लेना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को आप 2HCHO करके जो ही लिख सकते हो, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे फैला करके लिखा हुआ है ताकि जो भी मैकेनिज्म होगा आगे उसे आप आसानी से समझ सको। तो वैसे तो यहाँ पे मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, लेकिन आपको फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जो है वो लेना है। आगे जो है वो दो मॉलिक्यूल क्यों लेना है वो आपको मैकेनिज्म में समझ में आएगा। तो आप इसके जगह पे 2HCHO करके भी फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो लिख सकते हो। तो NaOH के प्रेजेंस में जब हम जो है इसका रिएक्शन कराते हैं, NaOH हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि ये जो आपका NaOH है वो OH- आयन जो है वो यहाँ पे देते हैं। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट जो है वो प्राप्त होगा, HCS3OH और HCOONA, मतलब सोडियम फॉर्मेट जो है वो हमें प्राप्त होता है। मैकेनिज्म में समझेंगे कि ये सारे रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहे हैं। तो चलिए आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार का एल्डिहाइड आपको यहाँ पे जो है वो लेना है। यहाँ पे मैंने वैसे तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है, आप बेंजाल्डिहाइड भी ले सकते हो। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। इससे पहले हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा हुआ था, जिसमें वहां पे हम ऐसे एल्डिहाइड यूज करते थे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते थे। वहां पे हम जो है वो एसिड एल्डिहाइड लेते थे क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता था। लेकिन ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, या फिर इसके जगह अगर मैं बेंजाल्डिहाइड लेती तो वहां भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, उसका रिएक्शन हम जो है वो NaOH के साथ कराते हैं। उसके बाद हमें मेथिल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे कैनिजारो अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। क्लियर हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट मिलता है। ये जो आपका रिएक्शन है वो आपका कैनिजारो रिएक्शन जो है वो कहलाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करें इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लेना है, HCH OH। तो जैसा कि आप पता है कार्बोनिल ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है C OH, और ये जो आपको ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो कार्बन से थोड़ा ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ये ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्लियर हुआ आपको पहला स्टेप में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। पहला स्टेप में केवल आपका O जो है वो निगेटिव चार्ज में हो जाता है और C जो है वो पॉजिटिव चार्ज में हो जाता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। तो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। स्टेप वन क्लियर हुआ। अब स्टेप टू में आपको क्या करना है? तो जैसे कि हमें पता है NaOH भी हम यहाँ पे जो है वो लिए हुए हैं, यहाँ पे हमें पता है NaOH जो है वो Na+ और OH- आयन हमें जो है वो देते हैं। तो दोनों का यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले अब OH- आयन का जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे? ये जो पहले स्टेप में आपको जो प्राप्त हुआ था उसका रिएक्शन आपको OH- के साथ जो है वो करा देंगे। तो क्लियर हुआ आपको OH- कहाँ से आया हुआ है? NaOH से आया हुआ है। तो दोनों का आप रिएक्शन करा देते हो, काफी ही आसान है। C में जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो OH में जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो सेंटर है वहां पे आकर के OH जो है वो जुड़ जाएगा, आपका ये बन जाता है HCH O- में, तो यहाँ पे O- ही रहेगा, और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे OH जो है वो आकर के जुड़ जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्लियर हुआ। पहला स्टेप में क्या था हमारा? समथिंग ये प्रोडक्ट बना था, इसको हमने OH- के साथ आपस में रिएक्शन कराया, ये वाला हमें जो है वो मिल चुका है। अब आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कैनिजारो रिएक्शन में बताया हुआ है,
कि हमें यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के जो है वो दो मॉलिक्यूल जो है वो लेना है। एक मॉलिक्यूल तो हम यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे वो उसका काम क्या है। तो क्या करना है आपको, जो आप लोगों को सेकेंड स्टेप में मिला हुआ है उसे आप एज इट इज यहाँ पे जो है वो उतार देना। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल जो है वो ले लेते हैं और दोनों का आपस में जो है वो रिएक्शन कराते हैं। देखिए आपस में हम जैसे ही इसका रिएक्शन कराते हैं क्या होगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे O माइनस देख रहे हो, तो ये जो आपका O माइनस है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। मीन्स अगर हम O माइनस को इस तरह वो करें तो ये सिंगल बॉन्ड है, अगर हम O में जो है वो निगेटिव चार्ज को हटाना चाहे तो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड की जगह जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो लिख देंगे, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड को हटा करके हम हटाना चाहे, सिंगल बॉन्ड करना चाहे तो यहाँ पे हम O माइनस लगा देते हैं, अगर माइनस चार्ज को हटाना चाहे तो डबल बॉन्ड लगा लेंगे, सिंपल है। तो हम यहाँ पे जो है वो यही करेंगे, आगे हम देखेंगे क्या होगा। और ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन में आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता ही है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपका आ जाता है और इसमें का एक H जो है वो इसकी इस C के साथ जो है वो आकर के बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली हम देखते हैं जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। देखिए क्या मिला हमें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक H को यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा तो CHHH और O माइनस, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि O में हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगाया हुआ है, तो ये तो क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ का H जो है वो यहाँ पे आके जुड़ गया है, तो ये वाला H को तो आप नहीं लिखोगे और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो SC डबल बॉन्ड OH OH, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं हम इसका लास्ट और चौथा स्टेप, जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे तीसरे स्टेप में मिला हुआ है उसको आपको एज इट इज चौथा स्टेप में जो है वो उतार देना है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, CH3O- हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इसे आप क्या लिख सकते हो, HCOOH, तो यहाँ पे हम लोगों ने HCOOH करके जो है वो लिख दिया। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज आएगा एंड H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें का जो एक H है वो इसके साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और आपका बन जाएगा CH3OH, तो मैथिल अल्कोहल आपका बन गया। उसके बाद जो यहाँ पे बचा हुआ है HCOO- वो जो है वो Na+ से जो है वो रिएक्शन कर लेंगे। अब Na+ कहाँ से आया, Na+ यहाँ से आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे NaOH लिया हुआ है, OH- तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, Na+ यहाँ पे बचा है, तो लास्ट में क्या होगा, ये जो आपका HCOO- बचा हुआ था उसके साथ Na+ आकर के जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट HCOONa। तो देखिए अब आप रिएक्शन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा हमारा जो है वो मिल गया, मैथिल अल्कोहल भी आपको मिल गया एंड सोडियम फॉर्मेट भी हमें जो है वो मिल गया। तो क्लियर हुआ आपको कैसे दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हम लोगों ने NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, मैथिल अल्कोहल भी मिल गया और सोडियम फॉर्मेट भी मिल गया। तो ये तो हुआ गाइस आज का आपका टॉपिक, आई होप यू आज का मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और भी मैकेनिज्म चैनल में मिलेंगे तो चेक जरूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।